नमस्कार, सुप्रभातम। आदर शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी संस्कृत विषय तीसरे भाग में प्रथम पाठ सुभाषितानी के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा प्रथम पाठ है सुभाषितानी। सुभाषितानी शब्द का पर्याय देखे हैं, सूर्य अच्छा फारसी के में वाणी बोली, अच्छी वाणी या मधुर वचन। सूर्य ने अच्छा मधुर फारसी के में पासा वाणी बोली, इनके जो अच्छे वचन मधुर वाणी अच्छी बातें जो कही गई है वो सुभाषितानी है। सुभाषितानी के इस पाठ में हमारे जो श्लोक है वह अलग अलग साहित्यों से लिए गए हैं, जिसमें सुक्ति मंजरी, नीति सत्कम, मनुस्मृति, शिशुपाल वध, पंचतंत्र आदि ऐसे रोचक काव्यों से एक प्रेरणादायी और विचारात्मक सुक्तियाँ इसमें ली गई है। सुभाषितानी इसमें लिए गए हैं। अब हम एक एक का अभ्यास और उसका अर्थ समझेंगे। पहला है गुणा गुणे में सुगुणा भवंती ते निर्गुण प्राप्य भवंती दोषा, सुस्वादु तोया प्रभवंती अद्य समुद्र असाध्य भवंते अपेया। अर्थात गुणा गुणे में सुगुणा भवंती, गुण गुणवान लोगों में गुण होते हैं, गुण जब तक गुणवान लोगों के पास है, अच्छे लोगों के पास है, तभी तक वो गुण कहे जाते हैं, गुण होते हैं। निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा, अगर गुणहीन व्यक्ति को, बुरे व्यक्ति को, गुणहीन व्यक्ति को अगर वे गुण प्राप्त हो जाते हैं तो वो दोष में बदल जाते हैं। क्योंकि गुणहीन व्यक्ति के पास अगर वे गुण चले जाते हैं तो वे दोष में बदल जाते हैं, गुणों का विकार हो जाता है। जिस प्रकार से नदियां स्वादिष्ट मीठे स्वच्छ जल को लेकर के चलती है, नदियां अपने उद्गम स्थल से मीठे स्वादिष्ट शुद्ध और स्वच्छ जल को लेकर के चलती है, सुस्वादु तोया अच्छे स्वच्छ जल को लेकर चलती है, लेकर या जल को लेकर निकलती है। लेकिन समुद्र में असाध्य भवंते अपेया, लेकिन समुद्र में मिलने पर, समुद्र में असाध्य है, समुद्र में मिलने पर भवंती अपेया अपेय हो जाती है या उसका पानी खारा हो जाता है। क्योंकि गुणवान लोगों में ही गुण होते हैं, वे दुर्गुण को प्राप्त होने पर दोष में बदल जाते हैं, दोष हो जाते हैं। जिस प्रकार से नदियां स्वादिष्ट स्वच्छ जल को लेकर चलती है, इन समुद्र में मिलने पर उसका पानी खारा हो जाता है, अपेय होता है, अपेय हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरे श्लोक को देखते हैं, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु कुछ विषाणहीन, तिनम न खादन अभी जीवमान तदभागधेय परम पशुना। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला से भी, साहित्य संगीत कला से भी का मतलब है कि वो व्यावहारिक शिक्षा से ही, व्यावहारिक शिक्षा से रहित, व्यावहारिक शिक्षा से भी साक्षात पशु उच्च विषाणहीन। मनुष्य के बारे में बताया गया है कि यदि मनुष्य साहित्य संगीत कला से विहीन है, कला से रहित है, तो वह साक्षात बिना पूछ पूछ विषाण, पूछ और सिंह, हीन का मतलब बिना, बिना पूछ और बिना सिंह के साक्षात पशु है। मनुष्य है, मनुष्य साहित्य संगीत कला से भिन्न है तो वो बिना पूछ और बिना सिंह वाले पशु के समान है। तीनों में खादन अपनी जीव माना, घास न खाते हुए भी जीवित है, वो घास नहीं खा रहा है, घास नहीं खाते हुए
जीवित है तद भाग गयम परम पशुना। घास न खाते हुए भी जीवित है ऐसा पशुओं का परम सौभाग्य है, तब तो पशुओं का परम सौभाग्य है। अगर घास भी खाता मनुष्य तो पशुओं के लिए भी घास नसीब नहीं होती। ये एक अपने आप में पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह घास नहीं खाता, घास नहीं खाते हुए भी जीवित है, यह परम कि पशुओं का परम सौभाग्य है। लुप्तस्य नश्यति यशः, पशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः। विद्या परमवैष्णवः कृपणस्य सौख्यम् राज्यं प्रमुख सचिवस्य नराधिपस्य। तीसरे श्लोक में हमारे धर्म अर्थ पौरुष और हमारे आदर्श के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से कैसा करने से या क्या करने से हमारा क्या नष्ट होता है या हमें कौन सी बुराई या उसमें अवगुण उत्पन्न होता है। लुप्तस्य नश्यति यशः, लालची लोभी जो व्यक्ति है, जो लालची है लोभी है उसका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री जो दूर है चालाक है चुगल कोर है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, जो क्रियाहीन है नष्ट, जिसकी क्रियाएं नष्ट है, नष्ट क्रियाओं वाला है, कर्महीन है, नष्ट क्रियाओं का मतलब जो कर्महीन है, अकर्मणीय है, कर्महीन है, उस कर्महीन का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म, जो अर्थ में धन में लगा हुआ धन परायण है, सिर्फ पैसा 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 उसी धन में लगा हुआ धन परायण है, धन परायण का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या परम वैष्णव, जो बुरी आदत वाला है, नशा प्रवृत्ति वाला, बुरी आदत वाला है, ऐसे नशा प्रवृत्ति वाले या दुष्ट विचारधारा वाले बुरी आदतों वालों का विद्या फल नष्ट हो जाता है कि वैष्णव वैष्णव बुरे व्यक्तियों का विद्या फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस की मित्रता, कंजूस का सुख, कृपणस्य सौख्य मैंने सुख, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। कंजूस है ऐसा वगैरह सब कुछ होते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर रहा है तो उसका सुख नष्ट हो जाता है, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। और नराधिपस्य, और राजा का सचिव, जिस राज्य के राजा का राज्य नराधिपस्य, जिस राज्य के राजा का सचिव आलसी है उसका राज्य नष्ट हो जाता है। क्योंकि राजा का यदि सचिव आलसी है, प्रमुख सचिव से राजा आलसी है तो चल जाएगा, लेकिन उसका सचिव आलसी है, उसका मंत्रिमंडल समूह पूर्ण रूप से आलसी है, किसी प्रकार से वो काम नहीं कर रहे हैं, राज की गतिविधियों में पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। चौथे श्लोक को देखते हैं आगे। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव शयेत मधुमक्षिका सहः संतस्त तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुप्त रसम सज्जन्ति। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, पीकर के कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पी करके, कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पी करके माधुर्यम एव जलिए, मधुरता कोई के मीठे रस कोई शहद कोई उत्पन्न करती है मधुमक्खिका या मधुमक्खिया। जिस प्रकार से उसी प्रकार से जो संत सज्जन लोग होते हैं सज्जनों और दुजनों की बातों को समान रूप से सुन करके, सज्जनों और दुजनों की बातों को समान रूप से सुन करके, दुजनों की गाली भी सुनते हैं सज्जनों की अच्छी बातें भी सुनते हैं, दोनों की बातें समान रूप से सुन करके मधुर सुप्त रसम सज्जन्ति, वो मीठी वाणी ही उत्पन्न करते हैं या मीठी वाणी ही बोलते हैं। ठीक है, इसको वापस देखते हैं कि मधुमक्षिका सो ये मधुमक्खियां कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पी करके
मीठे रस को यानी सहज कोई उत्पन्न करती है, मधुमक्खियां कड़वा रस भी पीती है और मीठे रस को भी पीती है, दोनों को समान रूप से पी करके, कड़वे और मीठे को समान रूप से पी करके मधुर या मीठे शहद को ये उत्पन्न करती है। उसी प्रकार से सज्जन को दुर्जनों और सज्जनों की बातों को समान रूप से सुन करके और अच्छी बातें ही उत्पन्न करते हैं, अच्छे विचार ही उत्पन्न करते हैं। इस बात के साथ आपके गृह कार्य में जो श्लोक अर्थ और शब्दार्थ है वो आपको पीडीएफ में साथ में मिल जाएंगे। शुभ।